नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर आप सभी को स्वागत करता हूँ एक नया एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अच्छी बैट और नकली बैट में आप फर्क जान सकते हो। दोस्तों, इंडिया में कुछ कंपनियां हैं जो कि ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का बैट बनाती हैं, जैसे कि MRF, FS, Stone, GM, ऐसी बहुत सारी अच्छी बैट बनाने वाली कंपनियाँ हैं। मगर ऐसे भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो कि नकली बैट बनाती हैं, डिटो ओरिजिनल बैट की तरह। आपको थोड़ा भी शक नहीं होगा कि यह बैट नकली है। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो या बच्चे हैं जो कि क्रिकेट को अपनी जान मानते हैं। उनके पास अच्छी कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं होता है, मगर एक अच्छी बैट या खेलने के लिए एक अच्छी बैट खरीदने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं। सब प्लेयर्स को एक अच्छी बैट खरीदना चाहते हैं। एक अच्छी बैट 3-4 हज़ार से कम नहीं होगा। ऐसे में अगर एक प्लेयर्स को अच्छी बैट की जगह एक नकली बैट मिल जाती है तो उसको क्रिकेट के ऊपर से अपना मन नहीं उड़ जाता है। तो कैसे जानोगे आप अच्छी बैट और नकली बैट में आप फ़र्क? तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं अच्छी बैट और नकली बैट में फ़र्क। तो आप अभी भी हमारे चैनल में नए हो तो आप ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी बटन को दबा लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप एक बैट शोरूम में जाते हो एक बैट खरीदने के लिए, आप एक बैट चूज करोगे। आप एक MRF, आपको पसंद है MRF, एक MRF वाला बैट चूज करते हो तो आप देख सकते हो MRF वाला बैट में एक स्टिकर लगा होता है। स्टिकर में आप उसका बॉर्डर लाइन देख सकते हो। बॉर्डर लाइन में ऐसी एक लाइन लगी होती है जो कि आपको चमक रही होगी। एक नकली बैट में जो बॉर्डर लाइन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप कलर का होता है, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चमकती नहीं है। ये एक पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट है, उस बैट के नीचे कंपनी का एक कोड लिखा होता है। और तीसरी पॉइंट ये है फ्रेंड्स, उस स्टिकर के बाजू में एक कंपनी का एक ओरिजिनल स्टिकर लगा होता है जो कि सब बैट में, एक फेक बैट में भी लगा होता है, मगर उस स्टिकर के अंदर कंपनी का नेम ऐसे कुछ लिखा होता है फ्रेंड्स, जो कि फेक बैट में नहीं लिखा होता है। और तीसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, आप जब बैट खरीदना चाहते हो तो आपको बैट के साथ उस हैंडल में लगा होता है एक ग्रिप, जो ज़्यादातर फेक बैट में ग्रिप में प्लेन होती है, मगर जो ओरिजिनल बैट है, एक ओरिजिनल बैट खरीदना चाहते हो तो एक एडिडास का बैट आप खरीदते हो तो आप देख सकते हो उसका ग्रिप में एडिडास या MRF ऐसे कुछ लिखा होता है। ये रही एक ओरिजिनल बैट की पहचान। दोस्तों, अब हम हैंडल में जाते हैं। हैंडल की टॉप में 3 निशान होती है जो कि ब्राउन कलर का होती है। एक फेक बैट में वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, डार्क या ऐसे कुछ होता है फ्रेंड्स। एक अच्छी प्लेयर्स को अच्छी बैट और नकली बैट की फ़र्क दिख जाती है, क्योंकि अच्छी बैट कहाँ पर भारी, कहाँ पर शॉर्ट लगती है और कहाँ पर हल्का होनी चाहिए, ये सब एक अच्छी प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर को पता होती है। मगर नकली बैट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बाहर दिखने के लिए ही स्टाइलिश होता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कैसी वीडियो लगे नीचे कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। आई होप आपका दिन अच्छा रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में।